हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका नाम राज भाई और आज आपके सामने है दुनिया की मोस्ट लोडेड, ये है आपकी टूरिंग मोड में तैयार हुई हुई आपकी एंटॉर्च 125। और मेरे हिसाब से शायद ही इसके बाद आपने कोई वीडियो देखी हो, इससे पहले कोई वीडियो देखी इतनी सारी मॉडिफिकेशन के लिए जो कि इसके अंदर की गई है। मैं बताता हूँ एक एक करके कि इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले दिखाऊंगा आपको फ्रंट से ऊपर से, जिसमें कि लगा देगा आपका GPS माउंट जो कि इसके अंदर देख सकते हो। ये है इसका प्रॉपर फिटमेंट और GPS माउंट जो कि इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, इजी टू इंस्टॉल्ड है, कोई जुगाड़ नहीं। कोई अल्ट्रेशन आपको मिलता है AC का ओरिजिनल जनरल फिटिंग वाला आपको GPS माउंट, और साथ में इसमें लगा देगा मोबाइल होल्डर जो कि मिलता है आपको सिमटेक ओरिजिनल चार्जिंग वाला। ये देख सकते हो, ये आपका सिमटेक ओरिजिनल फास्ट चार्जिंग वाला लगा देगा इसका मोबाइल होल्डर, जिसकी मिलती है पूरी 1.5 साल की गारंटी काउंटर प्लेसमेंट। जब भी खराब हो हैंडफोन लाइए, हैंडफोन चेंज करा लीजिए। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं मिरर जो कि लगा दे गए इसमें मिलते हैं काफ़ी हाईलाइट, देख सकते हो आप इधर आपकी हाईलाइट है इधर भी, और सेम मिलेगी आपको अंदर की तरफ भी जो कि आप देखने मिलेगी कुछ इस तरीके से इंडिकेटर का, इंडिकेटर के साथ में। साथ में इसमें लगा देगा हैजार्ड, जिसे जितनी बार ऑन ऑफ करेंगे ये पैटर्न हो जाएंगे आपके चेंज, देख सकते हो आप। साथ में आपको इंडिकेटर बल्ब सिमटेक का मिल जाएगा, तो ये इनकी मिलती है आपको गारंटी, जितनी भी सिमटेक की आइटम होती है ना इसकी मिलती है पूरी आपको गारंटी। जैसे इंडिकेटर बल्ब की मिलती है 3 साल गारंटी, आपको मिलती है हैजार्ड की पूरी 1 साल की गारंटी, और इसकी मिलती है मोबाइल होल्डर की पूरे 1.5 साल की गारंटी। ये होते हैं आप गारंटी वाले। साथ में मिलेगी फॉग लैंप जो कि लगा दी गई इसके, देख सकते हो ये इसकी बटरफ्लाई वाली आपको मिल जाएगी HJG ओरिजिनल, देख सकते हो फॉग लैंप लगा दी गई है। साथ में इसमें लगाया स्विच जो कि मेटल वाला है। रोशनी आपको चेकआउट करा दूँ कैसी होती है इसकी, ये देखिए ये आपका पहले हो गया रेड ब्लिंकर के अंदर, फिर आपको मिलेगा इसके अंदर, फिर आपको मिलेगा येलो, इसके बाद मिलता है आपको वाइट, फिर आपको मिलता है येलो वाइट, फिर आपको मिलता है रेड, फिर आपको मिलता है, अच्छा ऐसे ही मिलता है, इसके बाद क्या मिलता है देखा ऊपर करेंगे तो इसके अंदर सार सब के अंदर ब्लिंक है। जैसे कि आपका रेड ब्लिंक हो गया, फिर आपका येलो ब्लिंक हो गया, फिर आपको मिलेगा वाइट ब्लिंक, और फिर आपको मिलेगा येलो वाइट ब्लिंक। तो ये हो गई आपकी सिक्स पैटर्न वाली आपको लाइट मिल जाती है फॉग लैंप जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी अल्टीमेट रोशनी है इसकी लगने के बाद। और भाई साहब ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है इस बाइक के स्कूटी के अंदर। साथ में मिलेगा आपको क्रैश गार्ड जो कि देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी क्रैश गार्ड है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी है, बहुत ही हैवी। साथ में इसमें जेरी कैन जो कि रेड बाइक है तो रेड ही आपकी लगी है जेरी कैन, लुक चेकआउट कर लो। ये होती है आपकी लॉक वाली, ये होती है आपकी लॉक वाली, देखने मिल जाएगी इधर भी सेम मिलेगी आपको इस तरफ, आप देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस भी हो गई है। और ना ये टूरिंग मोड के लिए तैयार गई है, टूरिंग बोले तो जब भी भैया आप जाएंगे जैसे हेमकुंड साहब भैया को जाना है तो उसके लिए भैया ने रेडी कराई है, तो जब रोड पे निकलेंगे तो भाई साहब रोड प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी रोड पे निकलने के बाद। अभी शॉप के अंदर है ये देख सकते हो, इसमें लगा देंगे इंडिकेटर जो कि मिलते हैं आपको हार्ले वाले, ये आपके हार्ले स्टाइल इंडिकेटर हैं, ये लगा देंगे बॉडी इंडिकेटर इसमें ब्लू और आपका येलो, ये मिल जाता है वो दोनों तरफ आपके लगे हुए हैं ये देख सकते हो आप। और इसके बाद साथ में बम्पर जो क्रैश गार्ड लगवा ना, क्रैश गार्ड बम्पर भी इसके अंदर आता है जो कि लगा दिए गए। और इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा फॉक्स लैडर, रेड बाइक है तो रेड ही आपका लगा दिया फॉक्स लैडर, इससे आपका शॉकर और आपकी डिस्प्ले ये होता है पूरी तरीके से सेफ, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और इसके बाद हॉर्न, ये देखो इसके अंदर हॉर्न भी लगा दिया गया, ये इसके हॉर्न है जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है मिंडा D70, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और अब आते हैं बैक साइड के अंदर, बैक साइड में देख लो आप, ये है आपकी टूरिंग क्रूजर सीट जो कि काफ़ी सॉफ्ट, मतलब रोड पे निकलोगे ना जब टूरिंग मोड पर तो भाई साहब गजब मज़ा ही आने वाला है, काफ़ी सॉफ्ट सीट है, एक बार रोड पर निकलेंगे तो भाई साहब बंदे पूछेंगे जरूर, और जो बैठ गया सीट वो दीवाना हो जाएगा, इतनी अच्छी सीट है इसकी टूरिंग क्रूजर सीट जो कि बना दी गई है ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन के साथ। आप चाहो तो इसका कोई भी कलर आप करवा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप चाहो वैसा सीट। अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लीवर गार्ड जो कि आपके रेड एंड ब्लैक है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, आप देख सकते हो लीवर गार्ड काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, BHDB का ओरिजिनल, और इससे आपके लीवर और आपके हैंड ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुल्ली प्रोटेक्ट हो जाते हैं आपका लीवर और हैंड दोनों चीज़ें। और इधर आपको देखने मिलेगी, इधर देख सकते हैं लावा लाइट, ये देख सकते हो चाबी ऑन करेंगे ये आप देख सकते हो, ये देखो स्टार्ट करने को देखो क्या ज़बरदस्त भाई साहब अल्टीमेट, मतलब ऐसा लग रहा है आग लग चुकी है इसके अंदर। टॉप रैक देख सकते हो आप, ये आपका एंटॉर्क ओरिजिनल टॉप रैक जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, जब भैया जाएंगे टूर पर तो समझ लो इस पर कुछ लगेज वगैरह रख कर ईजिली राइड करेंगे भैया, साथ में कोई प्लेन राइडर होता है तो उसके लिए बैक रेस्ट पे जो कि इसके अंदर ही इंस्टॉल्ड है आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर फिटमेंट वाली जो कि आपने देखी। इधर आपको पीछे का भी क्रैश गार्ड मिल जाता है आपको देख सकते हो, इससे भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है इसकी। इधर आपको देखने मिलेंगे ब्लिंकर जो कि आप देख सकते हैं, रेड गाड़ी है तो रेड इसके ब्लिंकर लगा दिए गए हैं, और इंडिकेटर के बाद चलते हो देख सकते हैं इसमें लगा दिए गए ये वाले इंडिकेटर जो कि मिलते हैं बुलेट इंडिकेटर। रोशनी देखो फ्रंट पर तो इसकी होती होती है, साथ में नीचे भी मिलेगी इसके अंदर आपको
क्योंकि ये आपका ड्यूल साइड मिलता है इसके अंदर आपको रोशनी। लुक चेकआउट कर लो, ये देखो नीचे तक आ रही है इसकी रोशनी, काफ़ी ज़बरदस्त, बहुत ही अल्टीमेट। इसके अंदर सारी चीज़ें लगा दी गई है, एक नंबर बाइक ही नहीं, एक नंबर स्कूटी है। आपने बाइक तो देखी होंगी बहुत सारी टूरिंग मोड में तैयार हुई, बट ये इंडिया फर्स्ट होगी तो कोई कम नहीं है कहना, क्योंकि ऐसी मॉडिफिकेशन बहुत ही कम देखने मिलती है। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर मेन चीज़, ये इसके हार्ले स्टाइल वाले स्पीकर्स आप देख सकते हो। इसको मैं करता हूँ ऑन और साउंड सुनाता हूँ आप लोगों को, क्या मज़ा आने वाला है इसकी साउंड पर। ये देख सकते हैं इसका म्यूज़िक, देखो साउंड, काफ़ी मज़ा आने वाला है इसको भैया को जब चलेंगे रोड पर, तो इसकी है काफ़ी जबरदस्त साउंड। और ये है आपका हार्ले वाले जो कि इसके अंदर मिलेंगे आपको स्पीकर्स, और ये हैं आपके पूरे स्टेनलेस स्टील के अंदर, और समझ लो कभी ना ख़राब होने वाले, गारंटी आती नहीं है बट कभी ना ख़राब होने वाले स्पीकर्स हैं। फुल्ली वाटर प्रूफ है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बाइकों में, हमारी बहुत सारी स्कूटीज में भी लगा रखे हैं, जैसे बर्गमैन वगैरह के अंदर, अप्रेलिया वगैरह के अंदर, पर एंटॉर्क के अंदर जो लगे हैं वो देख सकते हैं आप। और फिटमेंट देख लो आपकी, लोग ज़्यादातर ऊपर लगवाते हैं, भैया ने क्रैश गार्ड पर भी फिट करा दिया यहाँ पर, क्योंकि भैया खुद सुनना है दूसरों को सुनाने जरूरत ही क्या है, रोड पर इन्जॉय तो खुद करना ना, दूसरा थोड़ी करना अपनी स्कूटी बाइक में लगाने के लिए। तो ये होगी स्कूटी की मॉडिफिकेशन कंप्लीट। अब मैं बुलाना चाहूँगा वीर जी को, जिन भैया की बाइक है, जो इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं खुद बताते हैं। आइए भैया। और दोस्तों वीर जी कैसा लगा आपको? हाँ जी बढ़िया एकदम, मज़ा आ गया। एक्सपेक्टेड था कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या सोच कर आए थे? मैं तो नॉर्मल मॉडिफिकेशन सोच के आया था, जो आम लाइट वगैरह होती है, और ये आम से हो गई परफेक्ट, पूरी सुपर सुपर से भी ऊपर। ये सुपर से ऊपर मॉडिफिकेशन हो चुकी है ऑल अबाउट। आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा बताएंगे मुझे आप? मुझे इसके स्पीकर्स और सीट। स्पीकर और सीट, सच बताऊँ तो भैया ना थोड़ा सा स्पीकर में थोड़े से सोच रहे थे, कराऊँ ना कराऊँ, थोड़ा सा बजट को लेकर सोचा कि यार नहीं भैया, तो हमने भैया का भैया प्रॉब्लम बताइए, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, हमने कहा सॉल्ट लग गए, ऐसी बात थी सर? बिल्कुल, क्योंकि जब आप आए हो मॉडिफिकेशन कराने के लिए ना, और एक छोटी हो चाहे बड़ी, बड़ा काम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन होता आपका दिल कह रहा नहीं करने के लिए, तो आपके राजू भाई मना कभी नहीं करेगा, काम हो जाएगा। दिल तो बच्चा है जी, दिल को कुछ भी अच्छा लगे वो ना हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ऑल अबाउट भैया का ये काम हो चुका कंप्लीट, इसमें बोल ज़्यादा मैं आ रहा हूँ, भैया कम बोल रहे हैं, तो भैया बताएं भैया कम क्यों बोल रहा है? बिल्कुल, मैं वैसे ही कम बोलता हूँ मैं ज़्यादा ही बोलता हूँ तो ये बताओ ऑल अबाउट आपको जैसे एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया काम से हुआ, और प्राइसिंग वगैरह भी ठीक है, सब कुछ ठीक, हमारा स्टाफ बिहेवियर, ऑनर बिहेवियर बिल्कुल सही है, सही है एकदम, एकदम परफेक्ट। 100 में से कितने नंबर देने चाहिए? 100 में से 99। यार 1% क्यों कट जाता है ये नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं हम ये वीडियो काटेंगे नहीं। भैया ने 99 दिया, 100 से 1% हो सकता है शायद कुछ कमी रह गई हो, इस वजह से भैया ने 1% काट लिया, कोई बात नहीं। खैर रेट वगैरह कैसा लगा आपको? बिल्कुल सही लगा। ऐसा लगा कि आपको काट लिया गया? नहीं। चलो जी, ऑल ओवर सेटिस्फाइड हो आप? हाँ। किसी और को रिकमेंड करना चाहते हो आप, कोई आना चाहे ऑल इंडिया से या नहीं? बिल्कुल, जितने भी मेरे साथ के हैं उनको यही मैं रिकमेंड करूँगा कि SKD में आए, राजू भाई SKD में आए और अपनी गाड़ी मॉडिफिकेशन करवाए, बस सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में, ऑल इंडिया में किसी को नहीं कहेंगे? बिल्कुल, सबको ही कहूँगा कि जो भी आए यहाँ पे ही करवाए, क्योंकि आसपास की दुकानों पे ना जाएं, वो काटते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच जी। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, आपके अपने राजू भाई SKD को, जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो भैया सबसे पहले लोकेशन का बहुत बड़ा झोल चल रहा है गूगल पर ना जाएं, जब भी आपको आना है ना तो सीधा आपको एक चीज़ का नोटिस करना है, एक मिलेगी हनुमान जी की मूर्ति जो कि मिलती है आपको गोल चक्कर झंडेवाल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, और दूसरी मिलेगी मेरी शॉप के बोर्ड पर, उसका ध्यान दे दो, समझ जाओगे आपके जन्म शॉप पे पहुँचे हो या नहीं पहुँचे हो, बाकी मैं तो आपको मिल ही जाऊँगा। और हमारी जो मेन शॉप है ना ये वाली, मुश्किल से 100 मीटर है, हनुमान जी की मूर्ति के सामने है, जैसे ही आप अंदर एंटर मारेंगे पहले चौक पर ही मिल जाएगी आपको, आर्य समाज रोड पर। ये थी लोकेशन बताया, बाकी डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लोकेशन सब कुछ मेंशन है, उस पर आप देखेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, नहीं देखते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो वहाँ से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप करते हो कर सकते हो, मंगा सकते हो, कुछ भी सामान आपको मंगाना हो तो ऑल इंडिया डिलीवरी भी हमारी है, आपको हो जाएगी वहाँ पर भी डिलीवरी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय श्री कृष्ण, गुड बाय। समझ गए ना, आसपास थोड़ा कैमरा घुमा देना चारों तरफ, आसपास के दुकानदारों ध्यान रहे, ध्यान दे
आस पड़ोस के, अरे गलती से आस पड़ोस वाले आ ही गए इसके पास से चाबी।